मैं वो नहीं जो तुम देख रहे हो, मैं वो हूं। लो मैं आई। हाँ, षड्यंत्र तो बहुत अच्छा रचा था तुमने, लेकिन एक गलती कर दी ना, गलत इंसान को बता दिया। देखो देखो क्या हो गया, सब सब कुछ उल्टा पड़ गया है ना। याद है तुमने क्या कहा था, इस जगह की अगर कोई खासियत है तो इस जगह में दोष भी है। इस डंडे को अगर कोई तोड़ेगा तो अच्छी आत्माएं भी शापित हो जाएगी, जो तुम लोगों के साथ हो रहा है। देखो कितनी सीपियां पड़ी है यहाँ पर, इतनी सीपियां पड़ी, और तुम लोग यहाँ पर बस तीन लोग हो। अगर पूरा परिवार यहाँ पर आ जाता तो सोने पे सुहागा हो जाता, सबको अफसाना मैं खत्म कर देती आज यहीं पे। चलो, बहुत खुशी की बात है तुम तीनों यहाँ पर हो, तीनों को मरना है, मेरे हाथों मरना है, मैं मारूंगी। तो जल्दी जल्दी बोलो, तुम तीनों में से सबसे पहले मरेगा कौन? अरे कोई इन गरीबों को पूछे कि खुद ही के बिछाए हुए जाल में कैसे फंसा जाता है, ये हुनर सिर्फ इन्हीं के पास है। हर बार जाल बिछाते हैं हमारे लिए और फंस जाते हैं खुद। अब तुम दोनों हंसते हंसते वक्त मत जाया करो, तुम दोनों इन दोनों को संभालो और मैं खातिर करती हूँ हमारे अरहान साहब की। तो तैयार है अरहान साहब आप हमसे लड़ने के लिए? बहुत होशियार समझते हो ना तुम अपने आप को, बहुत ताकत है तुम में, बहुत हुनर है, बहुत कला है, सच्चे हो तुम, तो ये सारी अदाकारी दिखाना अब मेरे सामने। अगर मुझसे अपने आप को बचा सको ना अरहान, तो बचा लो, कोशिश करना, बचाओ अपने आप को। क्या हो गया? राजवीर के यहाँ होते हुए मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका मतलब अरहान नहीं चाहता कि राजवीर उसकी शक्तियां देखे, इसलिए। बहुत भूत बन के डरा है ना, बहुत डरा चुका, अब तू डर और डर डर के मर। क्या कहा था तूने? आज की रात मेरी आखिरी रात है। मुझे तो लगता है कि आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। क्या बात है, बहुत डरा रहा है तू, हाँ? लोगों को मारने वाले अब तेरी मौत आई है। क्या हो गया, लड़ेगा नहीं पिशाचनी से? लड़ने से पहले ही मर गया अरहान? क्या हुआ, उठो लड़ो मुझसे। परी, मेरे अंदर शक्ति आ गई है, अभी लड़ सकता हूं उससे। तुझे छू नहीं सकती तो क्या, तुझे मार नहीं सकती? बात है अरहान, ये हुई ना बात, मतलब कुछ भी हो जाए
लड़ने की तमन्ना अब भी बाकी है तुम में। मुझे भी बहुत मजा आता है ऐसों के साथ लड़ने में। इसे क्या हो गया? क्या कर रहा था? नाटक बंद कर, नाटक बंद कर, वापस आ बहन। शक्ति, शक्ति राजवीर को सीपी में डालो जल्दी। इतनी जल्दी क्या है परिधि मैडम? आज तेरे पति को मैं तेरी आंखों के सामने मारूं। कम से कम थोड़ी सी तो मेरी आत्मा को शांति मिलने दे। ओहो, मैं तो भूल गई थी, तू तो राजवीर को मरने नहीं दी। एक काम कर, सबसे पहले तेरी टांगे तोड़ दूं। सौदामिनी सामने आ, नहीं तो तेरी बेटी के अंदर इतनी अच्छी आत्माएं भर दूंगा कि ये सामने नहीं दिखेगी। ये नहीं दिखेगी तो तू भी नहीं दिखेगा। इसको मारा तो इसके साथ तू भी मरेगा। मुझे मौत से डर नहीं लगता। आखिरी बार कह रहा हूं सौदामिनी, सामने आ वरना ये गई। तूने मुझे नहीं अपनी मौत को सामने बुलाया है। ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी मौत आएगी। अगर हम मिलके लड़ेंगे तो ये बच नहीं पाएगा। क्या हो गया था मुझे? लोकेट, लोकेट तू अरहान के पास है। राजवीर को किसी भी तरह अंदर मत आने दे। तुम जानती हो कि उसके सामने मैं अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। उसके जिम्मे कोई काम दे देना, लेकिन उसे अंदर मत आने दे। अगर अरहान चला गया तो उसके साथ साथ राजवीर की आत्मा भी चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। परी! तो अरहान ने जाने से पहले राजवीर की आत्मा आजाद कर दी। परी! परी!
खंजर फेंको। पहले मैंने राजवीर को बचा लिया तो वो आत्माएं फिर से उसे मार डालेंगी। अरहान को बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि अरहान ही राजवीर और पूरे परिवार को बचा सकता है, इन दोनों आत्माओं का विनाश कर सकता है। अरहान, वाह वाह वाह, इंसानों के आशिक ये तो देखो, पति यहां पर मर रहा है, सामने आंखों के सामने कोई उसे मार रहा है, उसे नहीं बचा रही पत्नी, अपने आशिक को बचाने के लिए भागी। वाह रे आशिकी, इंसानों की आशिकी। तुम जब भी मुझे याद करोगी मुझे अपने सामने पाओगी। अब जब भी अपनी माँ से मिलने का दिल करे ना तो इस परी को याद करना। माँ कहाँ हूँ आप? मैं, मुझे आपकी जरूरत है, आ जाओ माँ, वरना आज सब खत्म हो जाएगा। कौन है? माँ ये क्या है? माँ क्या हो रही? मुझे नहीं पता। माँ ये तीनों, माँ ये तीनों कहाँ गायब हो गए? कौन आए थे? परिधि की माँ आई थी, हाँ अपनी बेटी को बचा कर ले गई। मतलब हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। पानी वानी सब छोड़ो, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आई कैसे यहाँ पर। वो परी है और परियों की दुनिया के कुछ उसूल होते हैं, उन उसूलों के मुताबिक वो दूसरों की मदद कर सकती है लेकिन खुद के खून को नहीं बचा सकती, खुद के खून की मदद नहीं कर सकती। फिर भी वो यहाँ पर आई, क्यों आई हो?